नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर प्रादेशिक में। मैं हूं मानसी अरोड़ा और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर की पहली खबर से। अमृतसर में लूटपाट, चोरी और नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल एक मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने अलग अलग जगह से एक महिला सहित 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के मोबाइल, लैपटॉप, जेवर, मोटरसाइकिल और नशीले पदार्थ हीरोइन आदि भी बरामद की है। आपको बता दें कि एसपी राजेश कपिलेश ने इस पूरे मामले के बारे में बताया। शहर के जो लुट करते हैं ग्रोह, वो चार मैंबर गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने इन्होंने को 8 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, स्पलेंडर तो चोरी शुदा देने हैं। एक्टिवा एक हैगा ब्लैक, तो एक सोने की मुंदरी है। ये चार बंदे इतने सारे शहर के खोआ करते सी, साढ़े मुकदमे ट्रेस हो गए हैं काफ़ी, तो साढ़े को रिमांड ने तो होर भी इन्होंने को खुलासे होने की उम्मीद है। एक साढ़े को नैक्सट हैगा 15 ग्राम असी हीरोइन बरामद की है, जिसे 5 दोषी गिरफ्तार किए हैं। ये सारे इतने सप्लाई करते आले दुआले शहर के, इन्होंने को 15 ग्राम तो 2 मोटरसाइकिल इन्होंने को बरामद किए हैं।